नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय है हमारा छत पे ओवरहेड टंकियाँ। आजकल वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने छत के ऊपर में टैंक लगा रखा है, तो टैंक लगाने में विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि वास्तु इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले ये जो टैंक होता है तो कम से कम 1000-1500 लीटर का होता है, जो काफ़ी वजन होता है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये वजनी जगह है। दूसरा है कि ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो वास्तु इसके अनुसार क्या कहता है कि लिक्विड फॉर्म और वजन वाला चीज़ और जल तत्व, इन सब का कॉम्बिनेशन के अनुसार। चलिए इसे डायग्राम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मान लिया जाए, ये आपका जो हमने रेड कलर से बना रखा है, आपका घर का ये पूरा प्लान है या वास्तु है, जो भी है, जिसकी दिशाएं आप तय कर लें। ये इधर में पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर आपका उत्तर है और इधर दक्षिण है। चलिए ये कौन है, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायु, ये सभी कौन है। अब इसमें तय करेंगे कि कहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण वास्तु के अनुसार कहा गया है। ये आपका छत हो सकता है, कोई ये लंबा हो चौड़ा हो जैसा भी हो, महत्वपूर्ण इसमें दिशाएँ होती है। एक सज्जन ने हमने देखा कि उनके घर पे जब उन्होंने बुलाया तो पता चला उन्होंने ईशान कोण के ऊपर ये जगह यहाँ पे टैंक रखा हुआ है इस स्थान पर। तो तर्क क्या था कि जल है, जल तत्व के लिए तो वास्तु के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर जल होना चाहिए, लेकिन छत के ऊपर नहीं, ये अंडरग्राउंड वाटर के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, छत के लिए ये बिल्कुल गलत जगह, या वास्तु आपका घर का गड़बड़ कर देगा, तो यहाँ आप नहीं रख सकते। महत्वपूर्ण हो जाता है कहाँ नहीं रख सकते, तो ईशान कोण में आप नहीं रख सकते। ब्रह्म स्थान तो नहीं रख सकते, बीच में नहीं रखना चाहिए, यहाँ पर वजन वाला सामान नहीं, क्योंकि जल में क्या है, टैंक में 1000 लीटर है या 1500 लीटर है, वजन भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है और जल तत्व भी है, इन सब के अनुसार। तो एक सज्जन ने नैऋत्य कोण में रख दिया कि वजन वाला चीज़ है, यहाँ पर कुछ लोग बनवाते हैं, आपने भी देखा होगा कि ऐसे साधारण कहीं 2-4 चीज़ें कहीं बुक में पेपर में देख लिया, कहीं सुन लिया, वास्तु के अनुसार इस स्थान पर बना दिया कि वजन वाला चीज़ है, नैऋत्य कोण में बना सकते हैं। नहीं, यहाँ वजन वाला चीज़ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ लिक्विड फॉर्म में आप नहीं रख सकते। यहाँ जब भी होगा ठोस होगा, कंक्रीट हो सकता है, मिट्टी का ढेर हो सकता है, वजन वाले चीज़ हो सकते हैं, लेकिन वो छत के ऊपर में भी नहीं, उसका आपको बनाना है नीचे, वजन करना है नीचे, ठोस स्थान नीचे बनाना है, लिक्विड फॉर्म में तो बिल्कुल चाहे कुछ भी हो यहाँ नहीं रख सकते। तो आपके लिए ये दो स्थान तो है कि ये तीन स्थान तो बिल्कुल कट गया कि आप यहाँ नहीं रख सकते। अग्नि कोण यहाँ तो आप रख नहीं सकते। अब महत्वपूर्ण है कि कहाँ रख सकते हैं, अब इसकी बताएं। लोग कहते हैं कुछ लोग दक्षिण दिशा में नहीं, सबसे जो उचित दिशा है इसकी बोली गई है शास्त्र के अनुसार, दो दिशा है। पहला इसमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप जो है ये पश्चिम दिशा की ओर टारगेट करें, पश्चिम दिशा में ही रखनी है। 2-3 स्थान इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पश्चिम दिशा में, पश्चिम और ये नॉर्थ और पश्चिम का जो ये कॉर्नर पड़ता है, कॉर्नर का अर्थ ये नहीं होता कि आप बिल्कुल यहाँ कोने में रख दें, ये कॉर्नर का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल आप कोने में रख दें, ऐसा गड़बड़ी ना करें। आपको जब भी रखना है तो इन स्थानों पर रखना। वायु कोण का थोड़ा सा जगह छोड़ दे, अब तो वो आपके आकार पे निर्भर करता है कि घर कितना बड़ा है आपका, अगर छोटा भी है तो 2-3 फीट अवश्य इसमें छोड़ दें। आप इस स्थान पर टैंक बनवा सकते हैं। टैंक महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीमेंट का है, प्लास्टिक का है, किन चीज़ों का, ये आप पर निर्भर करता है कि आप प्लास्टिक का यूज करते हैं तो जल के लिए, तो प्लास्टिक अच्छे क्वालिटी का यूज करें, इस पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप सीमेंट का यूज कर सकते हैं। मेटल में जंग लगने की संभावना होती है, तो उससे बचने की आवश्यकता है। तो आप जैसा भी हो, मान लीजिए आपने सीमेंटेड ही बना दिया है, तो आपके लिए एक स्थान ये सबसे अच्छा, इसे एक नंबर पर रखा जा सकता है कि यहाँ पर आप बना सकते हैं, पहला स्थान। जब दूसरा महत्वपूर्ण स्थान पर हम जाते हैं कि कहाँ बनाना चाहिए, तो आप ये पश्चिम दिशा देख लें, पश्चिम की ओर बढ़ जाए, फिर यहाँ से यहाँ तक को आप सबसे पहले आधा बांट लें, आधा बांट लें तो यहाँ पर आता है, जितना भी आपका लंबाई चौड़ाई हो यहाँ पर आता है। यहाँ पर जब आप यहाँ पर आप बना सकते हैं, प्रयास करें कि ये 50% पर रहे, या 50% से यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, तो ये 2-3 नंबर कुल मिला के यदि देखें तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप यहाँ पर जल का टैंक बना सकते हैं। अब है कि यदि आप इसमें टैंक या छत के ऊपर डायरेक्ट रखेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है कि छत पे ले गया आपने सीधा रख दिया, ऐसा नहीं करना है, ये भी एक दोष उत्पन्न करता है, छत के ऊपर डायरेक्ट न रखें। अच्छा होगा कि छत के ऊपर में जो लोग, यदि आप सीमेंट का बनवा रहे हैं तो ध्यान दें कि छत से कम 2-3 फीट ऊपर एक सीमेंट का स्टैंड नुमा बना के ही जल का टैंक बनाना चाहिए, ये सबसे अधिक उचित माना जाता है। इसके कारण भी है, साथ में ये प्रैक्टिकली भी देखा जाता है कि यदि आप छत के ऊपर बना देते हैं तो लीकेज होने की संभावना बन जाती है, तो ये छत के ऊपर इस प्रकार से बनना चाहिए। और दूसरा, यदि आप प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं तो प्लास्टिक का प्रयोग इसे भी डायरेक्ट छत पे नहीं रखना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। या तो आप चाहें तो लोहे का स्टैंड बनवा लें,
या थोड़ा ऊँचा कर करवा लें, या नहीं तो कम से कम आप जो है एक लेयर ऊँचा, मतलब ईंट के 2-3 इंच ऊँचा इसमें चबूतरा बनवा के गोल इस प्रकार से आप जो है इसमें प्लास्टिक का टैंक रख सकते हैं। तो दिशाएँ ये महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने टैंक बनवा लिया अब क्या करें, तो आपको ये देखना है सबसे अधिक कि 1, 2, 3, ये 4 स्थान कट गए, यहाँ आप नहीं रख सकते हैं। आपको पूरब में भी नहीं रखना है, दक्षिण में भी नहीं रखना है। आप यदि आप उत्तर की ओर थोड़ा बढ़ चुके हैं थोड़ा सा, तो दोष तो लगेगा लेकिन कम दोष लगेगा। यदि प्लास्टिक का टैंक है तो आप उसे इजी वे में चेंज करवा सकते हैं। बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है आपके यहाँ पाइप प्लम्बर की फिटिंग है वो वैसे ही रहेगी, सिर्फ इसे चेंज करवा लें, ये अच्छा होगा।